हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवस्य इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 1। इन वीडियो पार्ट 2 वी हैव कंप्लीटेड द कल्चरल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ एंड सेविंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। सो हियर वी आर गोइंग टू कवर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन डेप्थ। वी विल गो इन टू द डिटेल्स एंड explain it and explore it also. So let's start the topic, cultural heritage of India. This is the second type of natural heritage of the India. Means heritage of India के जो हमने दो part किए थे उसमें से ये second part है. First part was natural heritage of India that we have covered in video 2, and this is cultural heritage of India. So India has gifted to the world a diverse and rich heritage. इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक डाइवर्स मीन्स होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरह के कल्चरल का जो हेरिटेज हमें मिला है वो, और एक रिच हेरिटेज दिया, मीन्स काफ़ी अमीर हेरिटेज विरासत हमें मिली थी, हम काफ़ी रईस था इंडिया। सो ये सारे हमारे पास हेरिटेज मिले हैं और ये अब हमारे पास है तो हम वर्ल्ड के पार्ट हैं, तो ये हमने अल्टीमेटली वर्ल्ड को भी कंट्रीब्यूट किया है, वर्ल्ड को भी ये गिफ्ट मिला है कि इंडिया लाइक कंट्री is existing on the earth planet. So cultural heritage is a man-made heritage. Culture का जो heritage होता है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है. Whenever is received or created by human with his fact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. ये इसकी definition है cultural heritage की. So इसे आपको ध्यान रखना है और note करके रखना है, अपनी book में mark करके रखिए कि cultural heritage is man-made heritage. जिसमें यहाँ से question भी आ सकता है, मैचिंग में कर सकते हैं कल्चरल हेरिटेज एंड सामने कॉलम बी में दिया होगा मैन मेड हेरिटेज, तो आपको पहचान लेना है कि कल्चर जो होता है वो इंसान बनाता है, क्योंकि नेचुरल तो नेचर बनाती है बट जो कल्चर है, रीति रिवाज, सिस्टम, सोशल, ये सब कुछ इंसान बनाता है। सो वॉट एवर इज़ रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, इंसान को जो भी मिला और इंसान ने जो क्रिएट किया, मीन्स हमें जो हमारे पूर्वजों से मिला है, एंसेस्टर से, वी हैव गॉड एंड वॉट वी हैव क्रिएटेड by using our tact, wisdom, art, skill, this is considered in the category of cultural heritage. Starting from the Aryans and Chhatrap, Kushan, Huns, Persian, Turks, Arabs, Mughals, Britishers, French, etc. caste and tribes have made or came to India. इतने सारे लोग, इतने टाइप के लोग इंडिया में आए थे. Indian culture from the exchange between all this has become rich. इन सारे कल्चर्स के बीच में एक्सचेंज होने की वजह से, लेन देन होने की वजह से, रिलेशन बनने की वजह से इंडिया इतना रिच बन पाया है. द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. प्री हिस्टोरिक मीन्स बहुत ही एंशिएंट टाइम से इंडिया के लोगों ने इस वर्ल्ड को, वर्ल्ड के लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, डेवलपमेंट के लिए. The art and art of the architecture and sculpture are 5000 years old. मीन्स हमारे यहाँ हमें जो इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली है वो 5000 years old, उसकी एज बताई जाती है, इतनी पुरानी है. सो उसमें जो बने आर्किटेक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, ये चीज़ ये दिखाती है कि हम उस टाइम से इतने स्किल्ड थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि हम ये चीज़ें बना सकते थे, वो भी कम्प्लीट मेजरमेंट के साथ में. So the remains of the Indus Valley civilization is an evidence of this, and on seeing the remains of the figure of the god, goddess, human, animals and several toys as well as sculptures of bearded man and the statue of the dancer, one feels self-esteemed and pride in our cultural heritage. तो इन सब चीज़ों को देख करके किसी भी इंसान को लगेगा कि हम कितने महान थे और कितने ग्रेट थे, कितने इंटेलिजेंट थे, जो इसके सबूत जो हैं ये हमारे डांसर्स की मूर्तियाँ मिल रही हैं, बियर्ड पर्सन की मूर्तियाँ मिल रही हैं, गॉड गॉडेस के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के टॉयज़ मिल रहे हैं. सो ये चीज़ बताती है कि हम कितने ग्रेट थे. फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ द बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस, एक लोटस है उसका पिक्चर है और वो इन्वर्टेड है, उल्टा है, और उसके अंदर बुलॉक और लायंस बने हुए हैं इन मौर्यन ईरान, और स्टैचू ऑफ द गौतम बुद्धा इन द मेडिटेटिंग फॉर्म, और द कालखंड स्टैचू ऑफ द जैन तीर्थंकर, एंड द केव्स ऑफ द इलोरा ऑफ
राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ETC, ये सारी हमें पिक्चर्स मिली हैं जो काव की गई हैं दीवारों पर, पत्थरों के ऊपर। तो ये बताती हैं कि हम कितने स्किल्ड और टैलेंटेड थे। बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आर कल्चरल हेरिटेज। आर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स पैलेसेस, हमने जो बनाए हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज से जो हमें मिले हैं उसमें पैलेसेस हैं, बिल्डिंग हैं, स्कल्पचर्स हैं, स्तूपास हैं, विहार्स हैं, चैत्याज हैं, टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, टॉम हैं, फोर्ट है, गेट्स हैं। इवन हिस्टोरिक प्लेसेस ऑफ आर फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो आर देयर, लाइक साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, कोलकाता, दिल्ली, ETC, ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से हमारे रिबेलियंस क्रांतिकारियों ने फ्रीडम फाइटिंग के लिए अपने ग्रुप्स बनाए थे, अपनी प्लानिंग की थी और वहाँ से एग्जीक्यूशन किया था। सो कैन ऑल्सो बी कंसिडर, तो दिस प्लेसेस आर कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ आर कल्चर हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। बिसाइड्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन्स, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, अगेन फिर रिलीजन आ जाता है, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ETC आर द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। ये सारे फील्ड्स जो हैं वो इंडिया ने डिस्कवर किए हैं और वर्ल्ड को एज ए गिफ्ट कंट्रीब्यूट किए हैं वर्ल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल स्टडी कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, द प्लेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर लोथल, धोलका तालुका, रंगपुर, लिंबड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट ETC। तो गुजरात भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट प्लेसेस मिले हैं, कल्चरल हेरिटेज वाले प्लेस मिले हैं, जिनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। लोथल जो धोलका में है, अहमदाबाद से पास में पड़ता है 40-50 किलोमीटर्स, रंगपुर ये लिमड़ी में है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में इन काठियावाड़, धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो कच्छ है वहाँ पर धोलावीरा प्लेस है, ये भी एक हेरिटेज है, एंड रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़ दैट इज़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट अगेन काठियावाड़। सो द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, पिलग्रिमेज तीर्थयात्रियों के लिए भी एक प्लेस है जिसे विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर कहते हैं, द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, पत्थरों के ऊपर किंग अशोक की बारे में इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, देन द सन टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा, गेट ऑफ चंपानर, दिस इज़ ऑल्सो अ हेरिटेज, रुद्र महालय मीन्स रुद्र महल बोल सकते हैं ऑफ सिद्धपुर, मानसर लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनार, शेकिंग टावर, सीधी सैयदनी जाड़ी ग्रिल, टेम्पल ऑफ हाथी सिंह, एंड ये सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान, पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस, देखने लायक ये सारी जगह हैं। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगतगुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, मीन्स 12 ज्योतिर्लिंग हैं इंडिया में, मीन्स शंकर भगवान की ज्योतिर्लिंग से बने हुए मंदिर हैं, और उनमें से एक जो है वो सोमनाथ है जो गुजरात में है, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है, बहुचरा जी मेहसाणा ये तो यहाँ से पास में ही पड़ता है बहुचरा जी, एंड रणछोड़ राय टेम्पल है, मीन्स कृष्ण भगवान को रणछोड़ कहते हैं, सो रणछोड़ राय का टेम्पल है, एंड डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से 90 किलोमीटर है आई थिंक, एंड सामला जी अरावली डिस्ट्रिक्ट में, सामला जी विष्णु भगवान का बहुत ही फेमस टेम्पल है। सो ये सारी चीज़ें, ये प्लेसेस जो हैं वो देखने लायक प्लेसेस हैं, और इन सब की पिक्चर्स अभी हम लगाएंगे, इसमें देखना है आपको। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, पोलो फॉरेस्ट मीन्स दीज आर द रिलीजियस एंड सोशल प्लेसेस वेयर टूरिस्ट कैन गो एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैन बी
डन। सो विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट काइट फेस्टिवल काकरिया कार्निवल इन अहमदाबाद, तानारीरी फेस्टिवल इन वडनगर एंड नॉर्थ डांस नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढ़ेरा, रन उत्सव इन कच्छ ETC, दीज आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स और सेरेमनीज वेयर पीपल कैन गो एंड एन्जॉय देमसेल्फ। नेक्स्ट इज टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। सो जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, इंडिया में अच्छी तरह से ये दोनों रिलीजन प्रिवेल्ड हुए हैं, विकसित हुए हैं और फैले हैं। कंसिक्वेंटली द जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन इन वेरियस प्लेसेस। इन दोनों धर्मों की अक्सर गुफाएं मिलती है जहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ की रहती हैं। इन गुफाओं में मूर्तियाँ बनी रहती हैं लाइक वडनगर, तारंगा, खंभाड़िया, सामलाजी, कोटेश्वर एंड तलाजा, ढांक और जगाड़िया, ETC प्लेसेस पर ये केव्स हमें मिलती हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल एक्टिविटी इन विच वी आर गोइंग टू सी द फेयर्स ऑफ गुजरात। जो मेले लगते हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है एंड एन्जॉयमेंट प्लेजर के लिए मेले लगाए जाते हैं, बट दे हैव सम रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑल्सो। सो वी विल स्टडी दिस फेयर्स इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4। ओके, टिल देन टेक केयर।